हेलो दोस्तों, देखिए आज हम राई के भुज्जी बनाना सिखा रहे। राई कहिए या सरसों कहिए, ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी लगती है भुज्जी, इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो। देखिए हमने अच्छे से साफ कर लिया, धो लिया है, ये देखिए मोटा डंठल को निकाल देंगे। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, गल जाता है, मुलायम है बिल्कुल, ये देखिए। ये देखिए हमने और काट भी लिया है, पहले से काटा हुआ है, देखिए इस तरीके से बारीक काट लेना है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों, एक बार आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। लेकिन अभी तो मिलेगा नहीं आपको सरसों या राई, लेकिन मेरे क्यारी में तो उगा हुआ था बहुत ज्यादा, तो हम अपने क्यारी में से ही निकाले हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको वीडियो बना के डाल देती हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके भी बताइएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा कि और अच्छे अच्छे हम वीडियो आप सबके लिए लाते रहें। ये देखिए ये मोटा डंठल हटा देते हैं। कोई नहीं है तो गल जाएगा, देखिए हमने काट लिया है अच्छे से, देखिए देखिए प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें हम सरसों के साग डाल देते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है।
देखिए 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। हम पानी नहीं डालेंगे इसमें, देखिए हमारा पानी छोड़ने लग गया है साग। देखिए ये देखिए कितना पानी छूट गया है, ये देख सकते हैं। इसलिए हम पानी इसमें नहीं डालेंगे, बस धीमी आंच करके ढक देंगे। 2 मिनट में हमारी ये सरसों के साग बन के तैयार हो जाएगा, सरसों के भुजी।